सुबह की चाय से लेकर दोपहर के शरबत और शाम के कस्टर्ड तक आपकी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर मिठास की शुरुआत गन्ने के रस से होती है। लेकिन कभी कोई मिठाई या गन्ने का स्वाद लेते हुए आपने सोचा कि आखिर गन्ना सबसे पहले उगाया कब गया होगा, कैसी बनी होगी पहली बार गन्ने से चीनी? अगर नहीं तो आज का एपिसोड आपके लिए ही है। गन्ने का इतिहास काफ़ी पुराना है। एक और जहां ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वहीं गन्ने की पैदावार कहां से शुरू हुई इसको लेकर अलग अलग मत भी हैं। गन्ने के रस की मिठास को कैसे हम सारे साल भर प्रयोग में ला सकते हैं, इसका ये तरीका हमारे पूर्वजों ने निकाला होगा कि भाई गन्ने की, ऐसा नहीं है गन्ने के रस से खीर भी बनती है, पर वो हम 12 महीने नहीं बना सकते और ना हमें 12 महीने खाने का उसका रिवाज भी हो सकता है, क्योंकि ऋतु के हिसाब से हमारा भोजन जो समझते थे पूर्वज लोग, तो 12 महीने हम उस खीर को खा भी नहीं सकते हैं। तो मीठे को हम अपनी मिठाइयों को कैसे मीठा करें या घर में खीर बनाए तो उसको कैसे मीठा करें, तो इसके लिए शायद उन्होंने ये इजाद किया। इतिहास बताता है कि गन्ने की खेती 8000 साल पहले दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में न्यू गिनी और उसके आसपास सोलोमन द्वीप समूह में फैली हुई थी। इसके 2000 साल बाद गन्ना इंडोनेशिया फिलीपींस पहुंचा और वहां से यह उत्तर भारत तक आया। इसके बाद लगभग 800 ईसा पूर्व भारत से गन्ना चीन पहुंचा। इसी तरह शक्कर की शुरुआत 8वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिम और अरब व्यापारियों ने भूमध्य सागर, मेसोपोटामिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका में की। इतिहास में जानकारी मिलती है कि 16वीं शताब्दी तक मैदानी क्षेत्रों में गन्ने की खेती बढ़ी और इसी समय उत्तरी अमेरिका में पहली चीनी मिल स्थापित की गई। चीनी की मिठास ने गन्ने को सभी का प्रिय बना दिया और इसकी खेती पेरू, ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला में फैल गई। सन 1600 आते आते अमेरिका के कई हिस्सों में चीनी उत्पादन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक उद्योग बन गया। औपनिवेशिक काल में यूरोप में चीनी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर रम बनाने के लिए किया जाता था। रम बेचने से होने वाले मुनाफे को पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में गुलाम खरीदने में इस्तेमाल किया जाता था। ये अफ्रीकी गुलाम कैरेबियन जैसे इलाकों में गन्ने के खेत में ही काम करते थे। लंबे संघर्ष के बाद 19वीं सदी के तीसरे दशक में पश्चिमी अफ्रीका के गुलाम आजाद हो गए। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के गन्ने के खेतों में काम करना बंद कर दिया। वहां के गन्ना खेत मालिकों को नए मजदूरों की जरूरत आन पड़ी। तब उनकी नजर पड़ी अपने नए उपनिवेश यानी भारत की ओर। उस दौर में भारत से बड़ी संख्या में गिरमिटियाओं को गन्ने के खेत में मजदूरी करने के लिए ले जाया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का साहित्य और लोकगीत गिरमिटियाओं के दर्द से भरे हुए हैं। एक नजर गन्ने की खेती पर डालते हैं। गन्ना विश्व की प्रमुख नगदी फसल है। भारत का गन्ने की उत्पादकता में दूसरा स्थान है। प्रयोगों से पता चला है कि जमीन में जितनी जल क्षमता है उसका औसतन 60% गन्ने की अच्छी उपज के लिए बेहतर माना जाता है। अगर इससे अधिक पानी दिया तो उर्वरक तत्वों के बह जाने का डर रहता है। वैसे तो सामान्य जानकारी के मुताबिक गन्ने की फसल से चीनी और गुड़ बनाया जाता है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं।
गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी स्वाद परंपरा बहुत लंबी है, और सबसे अहम बात, इसका एक एक कण उपयोग में आता है। इस पूरी प्रक्रिया में गन्ने के जो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका अंतिम कण तक उपयोग में लिया जाता है। तो गन्ने के रस से सिर्फ खांड नहीं बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो सारे चीज़ों के बनने का जो प्रोसेस है वो खांडसारी कहलाता है। इसमें गन्ने के रस को निकाल करके पहले गुड़ पकाया जाता है, पका कर जो राब बनती है सबसे पहले, फिर राब से आप गुड़ बनाएंगे, और गुड़ के बाद आप गुड़ ना बनाना चाहते, गुड़ की शक्कर बनाना चाहते हैं तो गुड़ की शक्कर बनेगी, और गुड़ की शक्कर से आप फिर उसको खांड में तब्दील कर सकते हैं। एक लोहे की चक्री होती है, उसमें उसको घुमाया जाता है जब राब को, तो हमारी खांड निकलती है जो क्रिस्टल नुमा होती है, थोड़ी सी ब्राउन होती है, और वो आजकल उसको आप ब्राउन शुगर के नाम से कह सकते हैं, पर वो खांड होती है। और उस खांड की जब हलवाई के यहाँ जाकर के कढ़ाई में सफाई की जाती है और ज़्यादा कूटा जाता है उसको, तब बूरा बनती है। प्राचीन काल में ईंट या पत्थर के आयताकार बक्से की तरह भट्टियाँ बनाई जाती थी। हर भट्टी के ऊपर की तरफ तांबे के 7 केतली या बॉयलर लगे होते थे। हर केतली पहले वाले से छोटी और ज़्यादा गर्म होती थी। गन्ने का रस सबसे बड़ी केतली में गर्म होता था। इसमें नींबू मिलाकर इसकी अशुद्धियां दूर की जाती थी। यहीं पर रस के ऊपर से झाग हटाया जाता था, फिर ऊपर वाली केतलियों में भेजा जाता था। आखिरी केतली में पहुंचते हुए गन्ने का रस एक सिरप में बदल जाता था। इसके बाद इसे साफ करके चीनी बनाई जाती थी। एक समय था जब शक्कर बहुत महंगी बिका करती थी और उसे विलासिता की वस्तु माना जाता था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अपने टेबल पर एक कटोरा चीनी रखा करती थी, एक कटोरा शक्कर रखा करती थी, ताकि वो दिखा सकें कि वे कितनी अमीर हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गुड़ के अलग अलग रूपों की। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गुड़ के मिठास का इतिहास बहुत लंबा और पेचीदा है। विद्वानों का इस पर अलग अलग मत है। कुछ लोग मानते हैं कि गुड़ भारत में ही शुरू हुआ, जबकि कई लोग इसे पुर्तगाल से आया मानते हैं। इतिहास में दर्ज उल्लेखों से पता चलता है कि गन्ने की खेती का भारत से काफी पुराना नाता रहा है। घग्गर नदी की एक शाखा का नाम सांकड़ा अथवा हाकड़ा था, जो पहले पंजाब से चलकर बीकानेर और जोधपुर राज्यों से बहती हुई सिंध में मिलती थी, परंतु बहुत समय से उसका प्रवाह बंद हो गया। उसका बंद होने का कारण राजस्थान का एक हिस्सा लगातार ऊंचा होते जाना है। हालांकि अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी बीकानेर राज्य के हनुमानगढ़ प्रदेश में आता है, जहां उससे गेहूं आदि की खेती होती है। उसे वहां के लोग कग्गर नदी कहते हैं। मारवाड़ में हाकड़ा के बहने का यह प्रमाण है कि जोधपुर और मालानी के परगनों से बहुत से गांवों की सीमा के अंदर गन्ना पेरने के पत्थर के कोल्हू पड़े मिलते हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले यहां हाकड़ा नदी बहती थी, जिसके किनारे गन्ने की खेती होती थी। उन गन्नों को इन कोल्हू में पेर कर गुड़ बनाया जाता था। अगर इस नदी का बहाव यहाँ ना होता तो इन रेतीले भागों में ऐसे कोल्हू कैसे संभव होते। गुड़ का इतिहास शायद मानव सभ्यता के खेती के इतिहास जितना ही पुराना है। माना जाता है कि भारत में गुड़ लाने वाले पुर्तगाली थे। लगभग 3000 साल पहले उन्हीं के साथ मिठास हमारे यहाँ पहुंची। वैसे ऋषि पर्णिनी ने
चौथी शताब्दी में लिखा है कि गोरशा अवांग देशो गोरा, जिसका मतलब है गुड़ का देश गोर है, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पाणिनि ने जिस गुड़ की बात की वो गुड़ खजूर से बनता है और पुर्तगालियों वाला गुड़ गन्ने से। गुड़ और गुड़ की मिठास से तो आप सभी परिचित होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़ भी दो तरह का होता है, कच्चा गुड़ और पक्का गुड़। दरअसल कच्चा गुड़ और पक्का गुड़ मौसम के अनुसार बनाया जाता है। सर्दी के मौसम में जब गन्ने की पेराई करके गुड़ बनाया जाता है तो उसे कच्चा गुड़ कहते हैं, वहीं गर्मी के मौसम में बनाया जाने वाला गुड़ पक्का गुड़ कहलाता है। इस गुड़ में फर्क इनके पकाने के आधार पर तय होता है। सर्दियों के मौसम में बनने वाला गुड़ थोड़ी सी नर्म प्रवृत्ति का होता है और वहीं गर्मी के मौसम में बनने वाला गुड़ थोड़ा सख्त रहता है। हम सभी ये बात जानते हैं कि किसी भी खाने के पदार्थ के खराब होने के पीछे उसके अंदर मौजूद पानी की मात्रा होती है। जिस पदार्थ में पानी की मात्रा कम होती है वो ज़्यादा वक्त तक टिकता है, इसलिए गर्मी के मौसम में बनाए जाने वाले गुड़ को पकाया ज़्यादा जाता है। साथ ही गर्मी के मौसम में आने वाला गन्ने का रस ज़्यादा सांद्रता लिए हुए होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से गन्ने के रस में गाढ़ापन आ जाता है, इसलिए गर्मी का गुड़ पक्का गुड़ कहलाता है। ये शुरू होता था हमारा दिवाली के आसपास और होली तक ये चलता था, और होली में जो गन्ना होता था बसंत पंचमी के आसपास का पक्के रस का, तो उसका जो गुड़ रखा जाता था वो गुड़ पूरे साल भर हमें उपलब्ध रहता था और हमारे खाने पीने में प्रयोग में लाया जाता था। गुड़ बनाने के पारंपरिक तरीके से लेकर वर्तमान तक सबसे पहले गन्ने के रस को पकाने से शुरुआत की जाती है। इसके लिए कोल्हू से निकले ताजा रस को सीधे गर्म होते कड़ाहों में डाला जाता है। कड़ाहों में पकते गुड़ के रस में उबाल आते ही इसमें एक पौधे की जड़ डाली जाती है। इस पौधे का नाम होता है सकुलाई। प्राकृतिक तरीके से गुड़ बनाने वाले अक्सर अपने गन्ने के खेतों के आसपास सकुलाई को भी बोते हैं, जिससे गुड़ की गुणवत्ता पर असर ना पड़े। सकुलाई के पौधे की जड़ को काफी देर तक पानी में गलने के लिए रखा जाता है। इसका रस कुछ कुछ भिंडी के पौधे के रस की तरह ही होता है। ये लेसदार पानी या रस गन्ने के रस का मेल उतारने के काम आता है। इससे जहां गुड़ शुद्ध होता है वहीं उसके स्वाद पर भी अच्छा असर पड़ता है। हमारे यहाँ एक सकुलाई भिंडी के पौधे जैसा एक पौधा होता है, तो सकुलाई की जड़ से रस, उसका जो लेसा था, लस जो होता है, उस लस से सीरे की सफाई की जाती है, गन्ने के रस की सफाई की जाती है, उसका मैल साफ किया जाता है और फिर ये गुड़ और शक्कर और ये सब कुछ बनता है। इस रस के साथ गन्ने के रस को तब तक पकाया जाता है जब तक कि रस शीरे की तरह गाढ़ा ना हो जाए। इसके बाद इसे पत्थर की परातों में जमा दिया जाता है। ये तो प्राकृतिक तरीका था गुड़ बनाने का। बाद में इस पर आधुनिकता और बाजार का ऐसा असर पड़ा कि इसकी सफाई के लिए हाइड्रोसल्फेट का इस्तेमाल होने लगा। इस तरह बनाया जाने वाला गुड़ हल्का लाल, गुलाबी या पीला और चमकदार दिखाई देता है। वहीं प्राकृतिक तरीके से बनने वाला गुड़ भूरे या मटमेले रंग का होता है।
जो गुड़ आपका सफेदी की तरफ है, उजालेपन की तरफ है, वो समझ जाइए कि केमिकल से साफ किया गया है ना। और जिसमें ललाई है और गहरा लाल है वो, तो वो हर्ब से साफ किया हुआ होगा, उसमें वो सफेदी नहीं आएगी, सफेदी केमिकल से ही आ पाती है। गुड़ की मिठास से तो आप सभी परिचित होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़ सिर्फ गन्ने के रस से नहीं बनता, भारत में खजूर और नारियल के रस से भी गुड़ बनता है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार के गुड़ बनते हैं, उनमें से दो गुड़ है, खजूर का गुड़ और नारियल का गुड़। गुड़ चाहे गन्ने के रस का हो, खजूर का हो या नारियल का, सबके अपने अलग अलग फायदे हैं। गन्ने का गुड़, गुड़ के नाम पर सबसे पहले हमें जिसका ध्यान आता है वो है गन्ने के रस से बना गुड़। गन्ने के रस से बना गुड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और इस्तेमाल किया जाने वाला गुड़ है। इस गुड़ का अलग ही स्वाद और बनावट होती है। इसमें कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक और फास्फोरस मौजूद होते हैं, इसलिए इस गुड़ को काफी फायदेमंद बताया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की स्टडी के मुताबिक आयरन से भरपूर होने की वजह से ये गुड़ अगर उचित मात्रा में खाया जाए तो एनीमिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक गुड़ हमारे लीवर को भी डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है। सबसे खास बात यह है कि यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आपको भी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो गुड़ का सेवन जरूर करें। नारियल का गुड़, नारियल से बने गुड़ की खपत दक्षिण भारत में ज़्यादा है, वहीं इसे बनाया भी जाता है। नारियल के गुड़ को अनफर्मेंटेड रस से बनाया जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होने की वजह से यह गुड़ थोड़ा सख्त होता है। नारियल का गुड़ आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व भी होते हैं। खजूर का गुड़, इसी तरह खजूर के रस से भी गुड़ बनता है। यह गुड़ भारत के पूर्वी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड में तैयार किए जाने वाला एक लोकप्रिय गुड़ है। इसे खजूर का गुड़ या पाताली गुड़ के नाम से भी जाना जाता है। खजूर का गुड़ खजूर के पेड़ों के अर्क से बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार खजूर के अर्क में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये सभी तत्व हमारे शरीर की कई आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुड़ और आम से बने एक पारंपरिक स्वाद को चखेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वायदे के अनुसार कार्यक्रम के अंतिम चरण में स्वाद की बात। आइए देखते हैं कैसे बनती है गुड़ और आम से बनी लौंजी। गर्मी के मौसम में बनने वाली आम की लौंजी जहां स्वाद में अच्छी होती है, वहीं सेहत के लिहाज से फायदेमंद होती है। गुड़ और आम दोनों ही गर्मी में पेट के लिए बेहतर होते हैं। लौंजी के रूप में खाई जाने वाली कैरी आंतों में होने वाले संक्रमण को कुदरती रूप से दूर करके लीवर को दुरुस्त रखती है। इन दिनों पूरा भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में भी लौंजी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। कच्चे आम में जहां विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वहीं गुड़ में आयरन बहुतायत पाया जाता है। इन दोनों के मिश्रण से बनने वाली लौंजी बच्चे और बूढ़े दोनों ही चाव से खाते हैं।
खास बात यह है कि इसे बनाकर हफ्ते से लेकर महीने भर तक रखा जा सकता है। इसे बनाने के तरीके में थोड़ी फेर बदल करके इसे ज्यादा देर तक रखने लायक बनाया जाता है। लौंजी बनाने के लिए हमें जिस सामग्री की जरूरत पड़ती है पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। इसके लिए हमें लहसुन, खड़ी लाल मिर्च, पीसी लाल मिर्च, मेथी दाना, सौंफ, गुड़, नमक और तेल की जरूरत होती है। अब इसे बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले कच्चे आम या कैरी को अच्छे से धोकर उसके छिलके उतार लिए जाते हैं। फिर कच्चे आम के गूदे को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काट लिया जाता है। खास बात यह है कि इसकी गुठली को फेंका नहीं जाता। लौंजी में गुठली स्वाद को बढ़ा देती है। अब गैस में फ्राई पैन रख कर केरी की मात्रा के हिसाब से तेल डाला जाता है, जिससे केरी ठीक से पक सके। हालांकि लौंजी के लिए बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती। जब तेल गर्म हो जाता है तो सबसे पहले उसमें मेथी दाना डाला जाता है और मेथी दाना पक जाए तो उसमें सौंफ डाल देते हैं। जब सौंफ चटक जाए तो लहसुन डालने की बारी आती है। कुछ लोग लौंजी बगैर लहसुन के पकाना पसंद करते हैं। अगर आपको भी लहसुन पसंद नहीं तो आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन की मात्रा डालने में कंजूसी ना करें, क्योंकि लहसुन लौंजी के स्वाद में चार चांद लगा देता है। जब लहसुन अच्छे से पक जाए तो उसमें सूखी लाल मिर्च डाली जाती है। मिर्च के पकने के बाद बारी आती है कच्चे आम की। कच्चे आम को करछी से हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब कैरी हल्की पारदर्शी सी दिखने लगे तो उसमें रंग और स्वाद के लिए पिसी लाल मिर्च, अगर आप कम मिर्च खाना पसंद करते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लौंजी को रंग देगी लेकिन तीखा नहीं करेगी। थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें गुड़ डाल दिया जाता है। हल्का सा गुड़ पिघले उसी वक्त इसमें पानी डाल दिया जाता है। फिर इसे तेज आंच पर उबालने के लिए छोड़ देते हैं। आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। यही वो टाइम है जब आप लौंजी को कितनी दिनों के लिए बनाना है ये तय करते हैं। अगर लौंजी को कम दिनों के लिए रखना है तो आप इसे पानी डालकर पका सकते हैं, नहीं तो कच्ची कैरी में गुड़ डालकर और नमक डालकर उसे धीमी आंच में गुड़ के पिघलने तक पकाया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि गुड़ जले ना, नहीं तो वो स्वाद को ही कड़वा कर देगा। इस तरह पकाई गई लौंजी को पराठे या ब्रेड के साथ चटनी या जैम की तरह खाया जा सकता है। वहीं रसदार लौंजी चावल और दाल के साथ बहुत स्वाद देती है। आपसे हमारा आग्रह है कि जब तक कोरोना का बुरा दौर नहीं बीत जाता, घर पर रहें, अच्छा खाएं, खूब सारा पानी पिएं और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।